प्रणाम हनुमान जी, मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ, उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं है। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा, महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ। हनुमान जी आए न सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया। उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधागिनी दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं, यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया,
परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानर राज सुग्रीव ने भाभी माँ को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना, जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, हनुमान तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी? महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था, आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए, आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज आप विषय की गंभीरता को समझिए, यदि आप शीघ्र अति शीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। सुग्रीव, सुग्रीव, आतम, आतम, प्रतिसारब्धो जगं भवनं अभिः शक्रमाराशत्। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण भैया, वानर राज सुग्रीव कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है, यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानर राज कहां है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहां है? दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानर राज। श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपके किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं
मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध यहाँ तक आ रही है मुझे पाना राज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वनराज, आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा कुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास सब शेष है, आपके पास शेष है, तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर हैं। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। भाभी मां को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानरराज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको वरनाम से दर्ज चुकाता नहीं। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार, शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया। आपके यशरू आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से
चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो चौमास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई ने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागी मां से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। स्पष्ट कहिए मित्र। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना वो दसों दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और नौ ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्रीराम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्रीराम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में यह सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह, को हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप यह सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डटकर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है।
सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण वन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से, नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है, तो कहिए क्या आप सब देंगे मेरा साथ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.